हेलो हेलो बच्चो गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून कैन यू हियर मी ऑल करो फ्रेंच टीचर से मिलने के लिए कौन कौन रेडी है पहले तो ये बताओ मुझे जल्दी से बताओ फ्रेंच टीचर से मिलने के लिए कौन कौन रेडी है एवरीबॉडी तो, तो अच्छा तो बुला लो जल्दी से फ्रेंच टीचर को मैं पहले बता दूं काफ़ी स्ट्रिक्ट है वो ठीक है और पिटाई भी लगा सकते हैं बच्चों को पनिश भी कर सकते हैं चलो बुला लेते हैं ठीक है वैसे तुम्हें तो तुम्हारी इंग्लिश वाली मैम ज़्यादा पसंद आएंगी क्योंकि वो काफ़ी स्वीट हैं जो तो कि मैं खुद हूँ ठीक है चलो आओ लेकिन पहले हम फ्रेंच टीचर से मिल लेते हैं Bonjour, students. Bonjour का मतलब होता है फ्रेंच में गुड मॉर्निंग तो हैव यू लर्न योर लेसन ऑन पार्टिसिपल जिसने नहीं याद किया है उसकी पिटाई होने वाली है उसको पनिशमेंट मिलेगी इस रूलर से ओके ओके आई वॉज किडिंग ठीक है कोई फ्रेंच टीचर नहीं आने वाले हैं ठीक है थीके? यहाँ पे क्या है जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ना आज उसमें एक फ्रेंच टीचर है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है ठीक है इतने स्ट्रिक्ट कि जो बच्चा पढ़ता नहीं है या जो बच्चे को उनको पनिश करना होता है तो ये तो फिर भी प्लास्टिक की स्केल है वो तो आयन रूलर से सीधा शुरू हो जाते हैं ठीक है तो तुम लोग जो अपनी इंग्लिश वाली टीचर के साथ ही अच्छे हो क्योंकि आई नो आई एम वेरी स्वीट सो हेलो एवरी वन वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स दिस इज़ मदीहा खान योर फ्रेंड हु इज़ देयर टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है तो आज का जो चैप्टर है वो क्या है आज का चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं द लास्ट लेसन ठीक है द लास्ट लेसन बट पहला लेसन है आपकी बुक का ठीक है पहला लेसन है आपकी बुक का अच्छा था ना छोटा सा प्रैंक स्टार्टिंग में ऐसे ही हम रोज कुछ ना कुछ थोड़ा सा जो है ना इन्जॉइंग एंटरटेनिंग वाला करेंगे ताकि, ताकि तुम लोग भी जो हो अच्छे से इन्जॉय कर सको चलो तो लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम है बट ये फ्लेमिंग होगा चैप्टर नंबर वन है तो तुम्हारी टीचर तो काफ़ी अच्छी है जो तुम्हें थोड़ा बहुत सही है ना ढील दे देती है बट यहाँ पे जो तो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो टीचर हैं ठीक है ठीके? उसमें जो टीचर हैं आपके वो हैं ऐसे गुस्सेल टीचर ठीक है जिनका नाम क्या है एम हेमिल ठीक है इनका नाम क्या है एम हैमिल ठीक है एम हेमिल जो हैं, वो क्या थे क्या है एक फ्रेंच टीचर ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स में यहाँ लिखवा रही हूँ इनको आप अपने नोट्स में लिखते जाओ ठीक है एम हेमिल नाम था जो गुस्से टीचर थे क्रैंकी ठीक है इनको अगर हमें बताना हो कि ये कैसे टीचर थे तो आप कैसे बताओगे क्रैंकी ठीक है क्रैंकी चिड़चिड़े से टीचर ठीक है कौन थे एम हेमिल फ्रेंच पढ़ाते थे ठीक है बहुत क्रैंकी थे मतलब गुस्से के थे और कितने साल से पढ़ा रहे थे फोर्टी ईयर्स ठीक है कितने साल से पढ़ा रहे थे फोर्टी ईयर्स से पढ़ा रहे थे वहां पर चलो ये तो एम एम एल की बात हो गई पहले आप इनके ऑथर का नाम याद रखो लास्ट लेसन किसके द्वारा लिखा गया है अल्फोंजो अल्फों डोडेट के ठीक है ये इसके क्या है लेखक हैं ऑथर ये क्या है इसके लेखक है अब टीचर है तो डेफिनेटली स्टूडेंट भी होगा ठीक है तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन है यहाँ पे स्टूडेंट है हमारे फ्रांस ठीक है स्टूडेंट कौन है यहाँ पर फ्रांस कैसा स्टूडेंट है केयर फ्री ठीक है जिसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा स्टूडेंट है फ्रांस तो यहां पे आपको मैंने कैरेक्टर्स बता दिए और कैरेक्टर्स के कैरेक्टर बता दिए अब एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो इस चैप्टर में बेसिकली होता है क्या है एक लड़का होता है स्टूडेंट होता है जिसका नाम क्या होता है फ्रांस जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता उसे फ्रेंच पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं उधर ही दूसरी तरफ हमारे एक टीचर होते हैं जिनका नाम होता है एम हेमल है ना जिन्हें क्या होता है वो काफी क्रेंकी होते हैं चिड़चिड़े होते हैं बच्चों को बहुत जल्दी पनिश कर देते हैं कोई भी छोटी छोटी सी चीज होती है उसके ऊपर ठीक है इंग्लिश की क्लास आपकी इसी टाइम पर होगी ठीक है थ्री फिफ्टीन पर आपकी डेली इंग्लिश की क्लास होगी और तीन दिन आपका एनसीईआरटी चलेगा मैं आपको ओरिएंटेशन में बताई चुकी हूँ एनसीईआरटी कौन कौन से बोर्ड टारगेट करेगा और तीन दिन आपका बिहार बोर्ड की बुक चलेगी ये भी आपको क्लियर हो गया यहाँ पर चलो ठीक है आ जाओ इसको स्टार्ट करते हैं हम तो अब ओवरव्यू देख लो अल्फेंजो एटीन फोर्टी टू एटीन नाइनटी सेवन एटीन फोर्टी में वो पैदा हुए एटीन नाइनटी सेवन में उनकी डेथ हो गई एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे ठीक है लास्ट लेसन इज सेट इन द फ्रेंको प्रूशियन वॉर दूसरी चीज आपको याद रखनी है वो है ये फ्रेंको प्रूशियन वॉर मतलब फ्रांस और प्रूशिया की लड़ाई ठीक है वॉर फ्रांस और प्रुशिया की लड़ाई प्रूशियन वॉर कब की 1872, 1871, in which was by Prusia, led by से तो इसमें जीत किसकी हुई थी इस लड़ाई में इस वॉर में किसकी जीत हुई इस वॉर में जीत हुई थी पुरूशिया की प्रुश्या, देखो आपकी ऑलमोस्ट तीन चार आ जाती हैं इसमें चीज़ें जैसे कि एक जर्मनी आ जाता है इसमें पोलैंड आ जाता है आई गेस और रशिया भी आ जाता है ठीक है तो प्रूशिया जर्मन पीपल और ये सब जो लोग होते हैं वो

उसमें देख सकते हैं नहीं बच्चा बिहार बोर्ड में ये चैप्टर नहीं है क्योंकि बिहार बोर्ड की आपकी बुक बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है तो बिहार बोर्ड के चैप्टर्स अलग हैं जो हम कब करेंगे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को हम बिहार बोर्ड पढ़ेंगे कंफ्यूज मत हो आज बिहार बोर्ड की क्लास नहीं है आज यूपी एमपी आरपीएससी ये वाले बच्चे पढ़ेंगे 3 दिन क्लियर हो गया यहां पर चलो स्टार्ट करें अब मैंने आपको एक बात बोली थी स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन सेशन में कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आपको क्या करना है अपनी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो की जो बुक है वो लेकर बैठनी है और एक पेंसिल लेकर बैठनी है साथ में तो जल्दी से सारे बच्चे ये चीज़ कर लो फिर हम क्लास को शुरू करेंगे क्योंकि तो हम जो है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ चैप्टर पढ़ेंगे अपना तो जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक निकालो चैप्टर वन निकालो और अपना पेंसिल ले बैठो साथ में ठीक है हाँ बिहार बोर्ड जो है वो रेनबो वाली जो बुक है वो पढ़ेंगे हम क्लियर हाँ जेसी बोर्ड भी यही वाली पढ़ेंगे ठीक है एनसीआरटी झारखंड बोर्ड वाले बच्चे उत्तराखंड बोर्ड वाले बच्चे है ना ये सारे बच्चे भी हमारी यही वाली बुक पढ़ेंगे जो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ आपको कोई बात नहीं जिसके पास बुक नहीं है रजिस्टर है जो वर्ड्स में इंपॉर्टेंट मार्क कराती जाऊँ जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराती जाऊँ वो अपने नोट्स में तो लिख सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है हाँ बिहार बोर्ड वाले बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी टेंशन ना लो ठीक है अभी जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे पढ़ लो चलो यहाँ से अब हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं ठीक है ये आपकी समझो बुक है यहाँ पे बुक का आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो इसी तरीके से आपको मेरे साथ पढ़ते जाना है जो चीज़ नहीं आए वो मुझसे पूछ लो जो जो मैं मार्क कराती जाऊँ वो भी आप पढ़ लो ठीक है so तो आई स्टार्ट फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ कोल्डिंग ठीक है तो यहाँ पे कौन बोल रहा है कौन स्टोरी नरेट कर रहा है नरेट करना बताना तो so स्टोरी कौन बता रहा है यहाँ पर फ्रांस हमने जो स्टूडेंट के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा था वही फ्रांस यहाँ स्टोरी बता रहा है कि भाई मैं स्कूल जाने के लिए काफ़ी लेट हो गया था उस दिन और मैं काफ़ी डर में था क्योंकि क्या होने वाला था मुझे हो सकता था डांट पड़ती का मतलब क्या हो गया डांट ठीक है का मतलब क्या हो गया? क्या होते हैं participles होते हैं जो हम tense के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म लिखते हैं ठीक है वो आपके पार्टिसिपल्स कहलाते हैं और एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम तो यहाँ पे फ्रांस क्या बोल रहा है कि भाई मैं एक तो ले, लेट हो गया था स्कूल जाने के लिए उससे ज्यादा मुझे डर लग रहा था क्योंकि एम जो है वो मुझे डांटते या पनिश करते क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपल्स पे हमें याद करने को बोला था और मुझे पार्टिसिपल्स का पहला वर्ड भी नहीं आता था ठीक है नई बच्चों बिहार बोर्ड के लिए नहीं है ये फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवेन स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स एक क्षण के लिए ठीक है एक पल के लिए एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं जो है भाग जाता हूँ और स्पेंडिंग बिताना बिताना समय जो है वो बाहर ही बिता लेता हूँ मतलब स्कूल जाता ही नहीं हूं इट वॉज सो वॉर्म सो ब्राइट द बर्ड्स वो चोपिंग ठीक है काफी अच्छा काफी सामरी सा डे था और बर्ड्स क्या कर रहे थे चहचहा रहे थे ठीक है चहचहाना, ठीक है तो बर्ड्स क्या कर रहे थे चहचहा रहे थे एट द the ऑफ द बर्ड्स एंड इन field बैक ऑफ द सॉमिल द Prussian सोल्जर्स वर ड्रिलिंग सोमिल क्या होती है सोमिल होती है जो लकड़ी के टुकड़े नहीं होते बड़े बड़े उनको काटती है ना जो मशीन वो आपकी क्या कहलाती है सोमिल और वहाँ पर पास में क्या कर रहे थे जो के, जो के सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे थे ठीक है समझ आ रहा है बच्चों को ठीक है समझ आ रहा है तुम्हें सब बच्चों को सोमेश, आरोही, मानसी समझ आ रही है ना सारी चीजें ड्रेड है मानसी ड्रेड मींस होता है डर लगना डांट की वजह से डर लगना ठीक है चलो कोई बात नहीं लेट हो गए अभी स्टार्ट किया विकास पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है समझ आ गया यहाँ तक नेक्स्ट क्या आगे देखो It was all much more tempting than the the rule for participles, but I had the strength to to resist and hurried off to school. तो क्या हो रहा था? ये बहुत ज्यादा आकर्षित लग रही थी आकर्षित. है चीजें, क्या क्या चीजें बाहर इतना अच्छा गर्म दिन था रोशनी थी समरी डे था चिड़ियाँ चेह जा रही थी सौ मिल थी वहाँ पर और सोल्जर्स जो है वो ट्रेनिंग कर रहे थे अपने तो ये सारी चीज़ें मुझे ज्यादा आकर्षित लग रही थी पार्टिसिपल्स पढ़ने से पहले लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई उस चीज को रजिस्ट करने में है ना और फिर मैं क्या हुआ हरीड ऑफ टू स्कूल मतलब जल्दी भाग कर जाना हरीड का मतलब क्या हो गया जल्दी भागना जल्दी भागना ठीक है इस तरीके से आप भी मार्क करते चले जाओ मेरे साथ चलो नेक्स्ट पास द टाउन हॉल in फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड अब जैसे ही मैं टाउन हॉल से होकर गुजरा तो वहां पर क्या थी भीड़ क्राउड क्या होती है भीड़ है ना भीड़ थी कहां पर बुलेटिन बोर्ड की तरफ बुलेटिन बोर्ड क्या होता है जैसे जहां पर आपके स्कूल में भी बाहर जो हॉल होता है वहां पर एक बड़ा सारा बोर्ड लगा होता है वहां सारे नोटिस लगे होते हैं कि भाई आज क्या होना है या कल कोई छुट्टी तो नहीं है मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहां लगती है वो आपकी कहाँ लगती है, है। बुलेटिन कट वो कटेगी ठीक है हाँ नीरज क्लास डेली होगी तो फॉर द लास्ट टू इयर्स ऑल आर बैड न्यूज कम फ्रॉम द लास्ट द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माइसे स्टॉपिंग वट कैन बी द मैटर ना तो दो साल से हर बुरी खबर वहीं से पता चल रही थी हमें लड़ाइयाँ हारना ऑफिसर या कमांडर ने क्या ऑर्डर्स भेजे हैं वो सब और अब मैंने खुद से यही सवाल किया कि भाई अब नया क्या हो गया अब कौन सी बुरी खबर हमें मिलने वाली है ठीक है अगर क्वेश्चन बैंक से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है देन एज आई हरीड बा रीडिंग दी बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी डोट गो सो फास्ट बब यूल गेट टू योर स्कूल इन प्लेटी ऑफ टाइम अब जैसे ही मैं दौड़ कर जा रहा था जितना तेज में भाग सकता था तो वहां पर जो ब्लैक स्मिथ था ब्लैक स्मिथ लोहार और वॉचर कौन हो गया जैसे जो गार्ड्स वगैरह हो जाते हैं ना हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो ध्यान रखते हैं चोर वगैरह ना आ जाए वो लोग तो वो अपने अप्रेंटिस के साथ अप्रेंटिस क्या होते हैं परिशिक्षु ठीक है परी तो वो बुलेटिन बोर्ड ही पढ़ रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें भाग के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम आराम से काफ़ी टाइम में स्कूल पहुंच जाओगे आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड अनिस्ड एम हेम लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ ठीक है अब मुझे ऐसा लगा कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि बहुत टाइम है बहुत टाइम है पहुँचने में लेकिन जैसे तैसे मैं एम हेम एल की क्लास के बाहर गार्डन की तरफ पहुंचा और आउट ऑफ ब्रेथ होना मतलब मैं हाफने लग गया था मुझे सांस नहीं आ रही थी ठीक है, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब क्या हो जाता है हाफ सांस ना आना ऐसा होता है ना हम कभी बहुत जोर जोर से भागते हैं और हमारी सांस ऊपर नीचे होने लगती है वो वाली चीज क्लियर है यहाँ पर परीक्षु अप्रेंटिस को कहते हैं अप्रेंटिस वो लोग होते हैं जो मतलब जो ट्रेनिंग करते हैं ना ट्रेनिंग वगैरह जो होते हैं वो अप्रेंटिस कहलाते हैं भाई ठीक है जैसे सपोज uh, करो आपको uh, कुछ बनना है तो आपको इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप किसी के अंडर काम कर रहे हो है ना तो आप क्या हुए उसके अप्रेंटिस हुए वो आपका क्या हुआ हुआ मेंटोर हुए जो आपको सिखा रहा है और आप उसके क्या हो गए अप्रेंटिस हो गए ठीक है चलो नेक्स्ट देखो यूजली वेन स्कूल बिगन देर वॉज अ ग्रेट बासल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद ओवर आर ईय टू अंडरस्टैंड एंड टीचर ग्रेट रूल रेपिंग ऑन द टेबल अब क्या होता है यूजली यूजली आमतौर पर ठीक है यूजली क्या हो गया आपका आमतौर पर आमतौर पर जो स्कूल है उसमें क्या होता है कि भाई क्लास जो है मतलब काफी ज्यादा शोर रहता है काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा होता है बच्चे जो हैं वो है ना शोर में चा रहे होते हैं जो डेस्क वगैरह होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखो जो मतलब इंग्लिश स्कूल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे और जो बड़े स्कूल होते हैं उनमें भी क्या होता है डेस्क होती है डेस्क ऐसे ओपन और क्लोज होती है ताकि नीचे से बच्चा अपना सामान निकाल पाए उसकी आवाज़ें आती हैं और सारे बच्चे जो है एक साथ जो है चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो हमें हमारे कान पर हाथ रखने पड़ रहे होते थे ध्यान से सुनने के लिए ताकि जो शोर है वो कम हो और हम फोकस कर सकें ठीक है ये सारी चीज़ें और उसके साथ साथ क्या होता था एम हेमल की किस चीज की आवाज आती थी रूलर की आवाज आती थी ठीक मतलब है रूलर रैपिंग की जो टेबल पे होती है वो वाली चीज ठीक है चलो नेक्स्ट देखो आगे बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन ठीक है अब क्या हुआ लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा शांति थी बिल्कुल सब क्या था शांत हरीड होता है बहुत तेजी से भागना मतलब आपको जल्दी हो रही हो कहीं जाने की है ना तो आप क्या कर रहे हो यू आर हरीड ऑफ टू दैट प्लेस ठीक है तो आप बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हो वहां पर क्योंकि आप लेट हो गए हो इस तरीके से आपकी होती है ठीक है यहाँ पे नेक्स्ट है आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन ठीक है अब क्या हुआ कि भाई मैंने ये सोचा कि भाई इतना तो शोर होता है इतना हल्ला गुल्ला होता है वहाँ पर तो क्या होगा कि भाई उस चीज पर ध्यान रहेगा तो मैं जल्दी से बिना किसी के देखे क्लास में घुस जाऊँगा बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग है लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत है स्कूल में कि जैसे संडे का दिन हो संडे के दिन का मतलब ऑब्वियसली कोई स्कूल में होगा नहीं सब बिल्कुल शांति वाला होगा तो वैसा ही सेम कोई रेगुलर डे भी था आज ठीक है कमोशन बेटा आपका हो गया कोई हंगामा या हल्ला गुल्ला होना जिसकी तरफ आपका अटेंशन चला जाए ठीक है वो क्या कहलाता है आपका कमोशन ठीक है हंगामा क्लियर है चलो थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म ठीक है और फिर क्या हुआ कि जो क्लास है मैंने विंडो से विंडो खिड़की से देखा अपनी क्लास के अंदर सारे मेरे क्लासमेट्स जो थे वो बैठे हुए थे है ना बैठे हुए थे और साथ में एम हेम एल जो उनके आयरन रूलर ऐसे उनके अंदर आम के नीचे थी और वो ऐसे इधर उधर क्लास में क्या कर रहे थे वॉक कर रहे थे ठीक है इस तरीके से यहाँ पर सीन आपको मैं बता रही हूँ जो यहाँ पर वो नरेट कर रहा है कमोशन का मतलब बेटा हंगामा होना जहाँ पे आपका अटेंशन चले जाए हल्ला गुल्ला होना वो वाली चीज आई द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज फ्राइटेंड डरा हुआ ठीक है तो काफी ब्लश हम ब्लश कब करते हैं जब हम थोड़े से क्या होते हैं शर्मिंदा होते हैं ठीक है हम ब्लश कब करते हैं जब हम थोड़े से किसी चीज को लेकर इंबेरेस्ड हो जाते हैं शर्मिंदा हो जाते हैं तो यहां पर इस तरीके से बात हुई कि आप इमेजिन कर ही सकते हो कि मैं कितना ज्यादा शर्मिंदा था और कितना ज्यादा डरा हुआ भी था क्योंकि एम एम छोटी छोटी बातों पे भी क्या करते थे हमको पनिश करते थे Terrible coaches, बहुत बुरी होना. But nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ नथिंग है मुझे काफी देखा मेरी तरफ और काफी प्यार से मुझे बोला कि जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठो France, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे हम क्लास जो है अपनी शुरू ही करने वाले थे आई ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क अब मैं जल्दी से बेंच के ऊपर से जम्प कर अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया नॉट टिल Got a little over my fright. Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered that he never wore except on inspection and? प्राइज डेज ठीक है अब क्या हुआ कि भाई मैं थोड़ा सा मेरा डर कम ही हुआ था और मैंने क्या चीज़ नोटिस की कि भाई मेरे जो टीचर हैं वो आज अपने सबसे बेस्ट वाले कपड़ों में थे ठीक है ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आ, क्या उन्होंने कपड़े पहन रखे थे किस तरीके से उनका अपियरेंस था उस दिन का तो आपको लिखना पड़ेगा ही वोर आ ग्रीन कोट फ्रिल्ड शर्ट फ्रिल्ड ऐसी सिल्वटो वाली शर्ट होती है है ना एक छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप पहनी थी उन्होंने और उस पर क्या थी? हुई भी थी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी कढ़ाई ठीक है कढ़ाई होती है ना धागे वाली एम्ब्रॉयडरी वो हुई हुई थी जो वो कभी भी नहीं पहनते थे सिर्फ स्पेशल डेज पर पहनते थे ओकेजन पे पहनते थे जैसे इंस्पेक्शन होता था जब हमारा ठीक है और जब प्राइस सेरेमनी वगैरह होती थी तो इंस्पेक्शन क्या हो जाता है आपका निरीक्षण इंस्पेक्शन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में निरीक्षण ठीक है ग्रामर मैंने आपको ओरिएंटेशन सेक्शन सेशन में ही बता दिया था कि जब जब हमारी फ्लेमिंगो पूरी जब फ्लेमिंगो पूरी होगी हमारे के चैप्टर सारे पूरे होंगे उसके बाद हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे तो अभी आप इस पर फोकस करो ठीक है जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करो ये आपका ठीक है चलो होल स्कूल so अब क्या हो रहा था जो पूरा स्कूल था वो कैसा लग रहा था बहुत अजीब अजीब विचित्र है ना और काफी सॉलम बिल्कुल शांति वाला लग रहा था ठीक है अब यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई मतलब एक तो उन्होंने वो ऐसे कपड़े पहन रखे थे जो वो स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं है ना और उसके साथ साथ क्या था बहुत ज़्यादा सीरियस माहौल हो रहा था है ना? सोलम गंभीर माहौल था वहाँ पर एनवायरमेंट कैसा था गंभीर But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hoso with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others beside. ठीक है, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया, surprise कर दिया, ठीक है, वो क्या थी? कि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जो बेंचेस पीछे वाली जो हमेशा खाली रहती थी वहां पर कौन थे वहां पर गांव के लोग बैठे थे कौन कौन बैठा था ओल्ड हॉजर ओल्ड हॉजर क्या होता है कोई ओल्ड विलेजर गांव का है ना विलेजर और किसान उसको आप क्या बोलते हो हॉजर ठीक है उनके साथ साथ वहां पर फॉर्मर मेयर पुराने जो मेयर रिटायर हो चुके हैं वो वाले मेयर भी थे है ना पोस्टमास्टर भी थे और दूसरे गांव वाले भी उनके पास में बैठे हुए थे एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस अब सब जो थे काफी उदास थे ओल्ड हॉजर क्या लेकर आए थे एक प्राइमर ओल्ड प्राइमर प्राइमर क्या होता है बेसिकली एक मेटल का समझ लो बोर्ड टाइप जिस पर लिखे जाता है हम इसको बेसिकली क्या कह सकते हैं स्लेट भी कह सकते हैं लिखने की जो क्या हुई हुई थी पूरी पे से जो किनोरे थे उसकी कॉर्नर से खराब हुई हुई थी काफी पुरानी थी और वो उसको अपने घुटनों पर लेकर बैठे हुए थे उन्होंने चश्मे लगा रखे थे अपने ना था कि वो आराम से पढ़ सकें वाई आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल वंडरिंग सोचना

ठीक है वो बोलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों ये लास्ट लेसन है जो मैं आज तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है है द लास्ट लेसन ठीक अब आगे देखो द ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेज़ एंड लॉरिन तो यहाँ पे क्या हुआ क्योंकि प्रूशियन लोग जो थे वो जीत गए थे वो फ्रांस को उन्होंने डिफीट कर दिया था तो अब क्या था कि फ्रेंच हटाकर बर्लिन से ऑर्डर आया था कि भाई फ्रेंच हटाकर अब यहाँ पे और के स्कूल में क्या पढ़ाई जाएगी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी न्यू मास्टर कम्स टुमारो जो नए टीचर है वो कल से आपको आके पढ़ाना शुरू करेंगे दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव ठीक है ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग फोकस होकर पढ़े ठीक है अटेंटिव फोकस होकर आप लोग क्या करें पढ़ें वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी थंडर क्लैप होना एकदम शॉक लगना

रेच कोई भी ऐसी चीज जो आपको क्या कर दे अपसेट कर दे है ना कोई भी ऐसी चीज जो दुर्भाग्यवश हो माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट आई शुड नेवर लर्न एनी मोर आई मोस्ट मस्ट स्टॉप देअर देन ठीक है ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है मुझे कुछ आता भी नहीं है तो मैं अब भी क्या करूँ पढ़कर मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है फ्रांस जो है उसको गिल्टी फील होने लगता है oh how सॉरी आई was नॉट लर्निंग my lessons फॉर सीकिंग बर्ड्स eggs और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सा ठीक है अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि मैंने जो है अपना सारा टाइम बाहर चिड़ियाएँ देखने में उनके अंडे देखने में दूसरी और भी फालतू की चीज़ें करने में वेस्ट किया और अपनी क्लासेस को जो है वो नहीं पढ़ाया बेटा मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन ओल्ड है या कौन न्यू बच्चा है मुझे मैं यहाँ पे पढ़ा भी रही हूँ तो जिसके कमेंट्स में उस टाइम में देखती हूँ मैं रिप्लाई कर देती हूँ ठीक है आपको यहाँ पे पढ़ना जरूरी है तो आप प्लीज यहाँ पे फोकस करोगे ठीक है माई बॉक्स दैट हार्ड सीम सच अस अगो सो बोझ ठीक है न्यूसांस के बहुत सारे मीनिंग होते हैं बोझ परेशानी तो मुझे बोझ परेशानी लगती थी इतनी भारी लगती थी उठाने के लिए माय ग्रामर एंड माय हिस्ट्री ऑफ द सेम्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कॉन्ट गिव अप ठीक है अब ये सारी जो बुक्स थी मेरी हिस्ट्री की फ्रेंच वाली जितनी भी बुक्स थी ये सब क्या हो गई थी मेरे लिए पुराने दोस्त जैसी हो गई थी जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था एंड एम एम एल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हीम अगेन मेड मी फॉगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज ठीक है और एम एम एल को लेकर भी अब मेरी फीलिंग्स बिल्कुल चेंज हो गई थी जब मैंने ये मेरे दिमाग में ये थाट आया कि अब एम एम एल हमें नहीं पढ़ाएंगे वो हमें छोड़ कर चले जाएँगे तो मैं बिल्कुल भूल गया कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं उनकी आयरन रूलर जिससे वो हमें मारते हैं या फिर वो खुद कितने चिड़चिड़े हैं मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भूल गया था ਕ੍ਰੈਂਕੀ ਹੋਣਾ ਛਿੜਛੜਾ ਹੋਣਾ को समझ आया कि वो अपने बेस्ट कपड़े पहनकर आए थे है ना और यहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो भी क्यों बैठे हुए थे मुझे ये भी समझ आ गया टेरिटरी का मतलब होता है बेटा इलाका है ना ये जैसे ये टेरिटरी आपकी है ये बाउंड्री में आपका इलाका है ये आपकी बाउंड्री है तो ऐसे टेरिटरीज के काफ़ी डिफरेंट मीनिंग होते हैं क्लियर हो गया चलो इट बिकॉज दे दे वर सॉरी टू टू दैट हैड नॉट गॉन स्कूल मोर और जो बेचारे पुराने गांव वाले यहां आकर बैठे थे वो भी इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें भी गिल्टी फील हो रहा था बुरा फील हो रहा था कि हमने पढ़ा क्यों नहीं क्योंकि ये लोग खुद को फ्रेंच के लोग फ्रेंच में कैसे बोल सकते हैं क्योंकि इनमें से किसी को भी फ्रेंच लैंग्वेज आती ही नहीं थी ठीक है सेंट्स बेटा सेंट्स का मतलब होता है जैसे ये लोग होते हैं ना हम साधु वगैरह जो होते हैं पुराने टाइम के है ना या फिर कोई ऐसे पवित्र लोग है ना जो मतलब होली बुक्स वगैरह की बात करते हैं है ना उपदेश वगैरह देते हैं जैसे गौ गौतम बुद्धा हो गए ऐसे फ्रेंच में होंगे दूसरे लोग ठीक है फ्रांस के लोग होंगे हाँ पी डी एफ मैं सेंड कर दूंगी डोंट वरी 40 फ्रेंच पीपल है ना जिसमें अब क्या हो गया था का राज चलने वाला था तो उन लोगों पे क्या बीती होगी ऑब्वियसली हम हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ है पहले ना हमारे यहाँ क्या था पहले ब्रिटिश रूल था तो जो इंडियंस थे वो कैसे रहते थे दब के रहते थे तो उन्हें किसी चीज़ की फ्रीडम नहीं थी सेम यहाँ पर भी अब वही वाला माहौल था और लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे कि एटलीस्ट अगर हम हमारी फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेते तो हम खुद को गर्व से फ्रेंच पीपल तो बोल पाते फ्रेंच मैन तो हम ख़ुद को बोल पाते बेटा क्लास एप्लीकेशन पर मैं बता दूंगी तुम्हें तुम्हें मिल जाएगी नोटिफिकेशन वाई आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड अब जैसे ही मैं ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था मैंने अपना नाम सुना मतलब कोई मुझे आवाज़ दे रहा था टर्न था रिसाइड करने का पढ़ने का ठीक है पढ़ने का मतलब रीड करने का ठीक है रिसाइड का मतलब रीड करना वॉट वुड आई नॉट है ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिप ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक बट आई गॉट मिक्सड अप ठीक है अब मैंने सोचा है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं पार्टिसिपेंट का जो वो रोल रूल है है ना वो क्लियरली सबको लाउड अच्छे से पढ़ के बताऊँगा लेकिन मुझसे ऐसा नहीं हुआ मैं मिक्स हो गया बिल्कुल है ना और मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप डेयरिंग हिम्मत ठीक है तो अब क्या हुआ लेकिन मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया और मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी ऊपर देखने की भी एम हमिल की तरफ देखने की भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी फेथफुल फेथफुल का मतलब लॉयल्टी के साथ है ना आ, मतलब फेथफुल का मतलब कैसे कह सकते हैं भरोसे वाली सर्विस कह सकते हैं है हमें ना भरोसा होना फेथ होना भरोसा होना यकीन होना तो वही वाली सर्विस मतलब उन्होंने ईमानदारी से अपनी जॉब को जो है वो निभाया था चालीस साल तक ठीक है तो इस तरीके से आप फेथफुल बोलोगे आई हॉड एम हेम to टू मी आई scold यू लिटिल फ्रांस यू मस्ट फील bad इनफ आप मैंने सुना एम एम मुझसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं मुझे पता है तुम्हें मैं ऑलरेडी काफी डांट चुका हूँ और तुम ऑलरेडी काफी बुरा

अब वो बोलते हैं कि देखो हम क्या करते हैं हम रोज़ खुद को यही बोलते हैं हाँ अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास कल पढ़ लेंगे कल काम कर लेंगे है ना और देखो हम खुद के साथ क्या करते हैं तो यहाँ पे भाई यही बात है कि तुम जो हो अटेंटिव होकर पढ़ोगे फोकस होके पढ़ोगे तो उससे क्या होगा तुम्हारा ही फायदा है ऐसे तुम्हें फिर बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा आप दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलसीज ठीक है ट्रबल यहाँ पर ट्रैबल का मतलब क्या है परेशानी यही तो प्रॉब्लम है है ना यही तो परेशानी है एल्स के साथ टुमारो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं हमेशा पढ़ाई लिखाई को कल पे छोड़ देते हैं नाउ मैन एंड नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज तो आप मुझे बताओ तुम्हें कैसा फील होगा जब ये प्रूषा के लोग तुमसे बोलेंगे कि तुम खुद को फ्रेंच के लोग बोलते हो फ्रेंच पीपल बोलते हो फ्रेंच मैन बोलते हो जबकि तुम्हें अपनी खुद की लैंग्वेज को पढ़ना और लिखना तक तो नहीं आता तो कितनी यहाँ पर शर्म की बात है बेटा तो यूट्यूब पर लाइव है तो यूट्यूब पर दिखेगा ना ऐप पे कैसे दिखेगा बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आर ठीक है अब यहाँ पे आगे वो बोलते हैं कि लेकिन तुम अकेले नहीं हो इस चीज में यहाँ पे बहुत से लोग हैं हम सब ठीक है हम सब, सब लोगों को क्या करना होगा खुद को खुद की निंदा करनी होगी ठीक है रिप्रोच मतलब निंदा करना है ना हम सबकी गलती है यहाँ पर और हम सब ने जो है अपने साथ खुद गलत किया है

उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या कहाँ पर किस तरीके से पढ़ाया जाएगा प्लीज़ अभी जो है आप फोकस होकर पढ़ लो ये चीज़ आपको दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी फिर आपको प्रॉब्लम होगी ठीक है यही चीज़ तो मैं यहाँ दूँ मैं समझा रही हूँ कि फ़्रांस ने क्या किया फ्रांस क्लास में अटेंटिव नहीं था अच्छे से नहीं पढ़ता था इधर उधर उसका ध्यान होता था उसने सारी डिटेल्स मिस कर दी उसको फ्रेंच पढ़नी ही नहीं आई कभी और अब वो क्या कर रहा है रिग्रेट कर रहा है उस चीज़ को उसको पछतावा हो रहा है तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों के साथ भी सेम हो इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि आप जो है यहाँ पर आराम से फोकस होकर पढ़ो ठीक है दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी एंड आई आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो ठीक है तो यहाँ पे जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी चिंता ही नहीं की फिक्र नहीं की तुम्हें पढ़ाने की उनको तो ज़्यादा अच्छा ये लगेगा कि भाई तुम जो है जाकर उनके साथ खेतों में और मिल्स में काम कर लो ताकि वो एक्स्ट्रा मनी कमा पाए और मैं मैं भी खुद जो हूँ इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? ठीक है मैंने ही तो मैं हर बार जो है मेरे पौधों में पानी डालने भेज देता था तो तुम्हारा लेसन miss हो गया और मैं अगर मुझे पढ़ाना नहीं होता था फिशिंग करने जाना होता था मछली पकड़ने जाना होता था तो मैं तुम लोगों को छुट्टी दे देता था तो मैं भी इसमें शामिल हूँ मैंने भी तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ाया देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर Hamel went ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज अब जब उन्होंने ये वाली बात कर ली तो अब वो किस बारे में बात करने लगे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगे Think that it was the most beautiful language in the world the clearest the most logical that we must guard it among us and never forget it theek hai ab wo jo hai french language ke bare mein baat karte hain ki ye duniya ki sabse khoobsurat language hai सबसे क्लियर लैंग्वेज है सबसे प्यारी लैंग्वेज है और इसको हमें अपने अंदर संभाल कर रखना होगा है ना प्रोटेक्ट करके कर रखना होगा because when a people आर इन स्लेव एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे the की टू देयर prison. ठीक है इस लाइन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि भाई क्या होता है जब हम हिस्ट्री देखते हैं खोल कर पीछे तो हमने देखा है कि जिन लोगों को अपनी लैंग्वेज पे पकड़ होती है अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो लोग बंदिशों से भी आज़ाद हो जाते हैं अगर उन्हें कोई आ, क्या कहते हैं बंदी बना कर रखता है तो उन्होंने अपनी फ्रीडम अपनी आवाज़ उठा ही पाई है अपनी लैंग्वेज उठा ही पाई है, है ना तो वो यहाँ पर बात की गई है कि ये क्या होती है आपके क्या हो जाता है यहाँ पर कि ये आपको एक चाबी की तरह काम आती है तालो को तोड़ने में ओके okay, स्टोरी जैसा पढ़ा देंगे अभी आप ये पढ़ लो देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन आई वॉज अमेज टू सी हाउ आई अंडरस्टूड इट ऑल ही सेट सीम सो ईजी सो ईजी ठीक है जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना तब हम क्या करेंगे मैं आपको इसको एक बार स्टोरी में भी बता दूंगी कि इस चैप्टर में बेसिकली क्या हुआ है ठीक है अभी आप पहले यहाँ पे लाइन वाइज पढ़ो ताकि आपको वर्ड मीनिंग्स ध्यान रहे आपको छोटी छोटी डिटेल्स ध्यान रहे क्लियर तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब उन्होंने जब ग्रामर पढ़ाना शुरू करी और क्योंकि मैं काफ़ी फ़ोकस के साथ पढ़ रहा था तो मुझे सब कुछ समझ आ रहा था और सब कुछ इतना इजी लग रहा था कि मैंने पहले ऐसे क्यों नहीं पढ़ा वही सेम बात आप लोगों पे लागू होती कि अगर आप फोकस के साथ पढ़ लोगे ना तो आपको सब कुछ इजी लगेगा जैसे कि यहाँ पे बच्चों को लग रहा है और जो बच्चे यहाँ पर कमेंट्स में बातें कर रहे हैं उनको नहीं समझ आएगा ठीक है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है अपना आराम से इस चीज़ को ध्यान रखो I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. अब यहाँ पे क्या था कि भाई स्टूडेंट्स को भी था कि हमारा लास्ट लेसन है तो वो भी फोकस से पढ़ रहे थे और जो M हेम एल थे उन्हें भी यह था कि ये मेरा लास्ट लेसन है तो वो भी आज अपनी सारी क्रैंकिनेस गुस्सा वगैरह छोड़ के काफ़ी सब्र के साथ पेशेंस के साथ बच्चों को पढ़ा रहे थे जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी अच्छे से हर कुछ समझ में आ रहा था बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा था इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इव द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड पुट इट ऑल इन टू आर हेड्स एट वन स्ट्रोक ऐसा लग रहा था कि जो बेचारे आदमी हैं एम हेम एल हैं वो उनके पास जितना ज्ञान है वो हमें सारा देकर जाना चाहते थे आज है न और उनको जितना आता था जितनी नॉलेज थी वो हमें सारी एक ही बारे में आज हमारे दिमाग में डालना चाहते थे क्या बताऊं तुम्हें मैं अश्विनी क्या पूछ रहे हो आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग ग्रामर पढ़ने के बाद हमने राइटिंग सेक्शन में लेसन पढ़ा दैट डे हैड न्यू कॉपीज फॉर अर्थ विच इन इन अफुल राउंड हैंड फ्रांस एलसेस फ्रांस एलसेस उस दिन एम हेम एल हमारे लिए बहुत प्यारी नई कॉपीज लाए थे जिसमें काफी ब्यूटिफुल तरीके से लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था फ्रांस एलसेस फ्रांस एल्सेस ठीक है ये हाँ बेटा ये आज पहली क्लास है आपका चैप्टर नंबर वन पढ़ा रही हूँ मैं फ्लैमिंगो का ठीक है He looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the road at the top of our desk. तो वो जो कॉपीज थी वो ऐसे लग रही थी कि छोटे छोटे क्या हैं झंडे हैं जो हमारी क्लास में लगे हुए हैं ठीक है तो आज जो है हम इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर को ठीक है अब क्या करना है आपको वो सुन लो ठीक है आज हमने जो बच्चे अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक और नोट्स लेके बैठे होंगे उन्होंने सारे अच्छे से मार्क कर लिए होंगे ठीक है तो जो जो मैंने आपको डिफ़िकल्ट जो मुझे लगे कि आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे वर्ड मीनिंग्स वो मैंने आपको कराए हैं बट ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके पास भी कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग्स हों जो आपको मुझसे पूछना हो तो आपका काम क्या है उनको मार्क करो मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ लो ठीक है या फिर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी पूछ लेना तो जब हम कल अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले दस मिनट का हम क्या करेंगे हमारा जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उठाएंगे जो भी बच्चों की क्वेरीज है उन पे बात करेंगे फिर हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो आज आप इसको इस तरीके से पढ़ लो स्टोरी अभी तक की देखो मैं रिपीट कर रही हूँ स्टोरी कैसे शुरू हुई थी ठीक है एक लड़का होता है स्टूडेंट होता है फ्रांस जो लेट हो गया था स्कूल आने के लिए उसको काफी डर था कि एम हेमेल जो उसके टीचर हैं फ्रेंच के काफी स्ट्रिक्ट टीचर थे वो उसको काफ़ी डांटेंगे क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स लर्न करने को बोला गया था और उसे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था तो उसको इच्छा हुई कि वो क्लास छोड़कर बाहर जो इतना अच्छा मौसम हो रहा है चिड़ियाँ चहचा रही हैं जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं वो जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको देखें और क्लास में जाए ही ना लेकिन वो थाट वो हटाता है और क्लास में भागता है जब वो क्ला पहुँचता है तो वो देखता है कि टाउन हॉल जहाँ पे बुलेटिन बोर्ड लगा होता है जहाँ सारे नोटिस लगे होते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो रही होती है और हर बुरी खबर वहीं पर हो रही होती है लेकिन मैं इतना लेट हो रहा था कि मैंने उस वक्त बुलेटिन बोर्ड पर ध्यान नहीं दिया और मैं सीधा अपनी क्लास की तरफ भागा ठीक है लेकिन उस दिन क्लास और हर जगह इतनी शांति थी जैसे संडे का दिन हो मतलब स्कूल में कोई नहीं हो और रोज़ क्या होता है आमतौर पर काफ़ी शोर होता है हमें कानों पे हाथ रखना पड़ता है पढ़ने के लिए है ना तो ऐसा कुछ भी नहीं था फिर मैं जैसे तैसे अपनी क्लास में पहुंचा उस दिन एम एम भी ना उन्होंने मुझे डांटा ना कुछ बोला बहुत काइंडली उन्होंने मुझसे बात की और जब मैं जाकर बैठा सीट पर तब मैंने क्या नोटिस किया कि एम एम अपने बेस्ट जो कपड़े हैं जो वो किसी भी स्पेशल ओकेजन पर पहनते हैं उस पर वो पहने हुए थे उन्होंने फिर मैंने जब थोड़ा ध्यान दिया जब मेरा डर थोड़ा कम हुआ तो मैंने पीछे देखा बैक बेंचेस पे पुराने गांव वाले जो बूढ़े गांव वाले हैं वो बैठे थे फिर मुझे जब उन्होंने एम हेमल ने बताया कि आज ही आपका लास्ट लेसन है फ्रेंच का क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी तो मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि एम हेम इसलिए आज इतने अच्छे कपड़ों में आए हैं और ये विलेजर्स जो हैं वो भी इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं मुझे काफ़ी गिल्टी फील हुआ कि मैंने क्यों पहले इस चीज़ को नहीं पढ़ा ठीक है मैंने इस चीज़ को पहले क्यों नहीं पढ़ा मैंने ध्यान नहीं दिया है ना फिर एम एम एल ने मुझे खड़ा किया कि भाई चलो पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ो लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आया मैं वहाँ चुप खड़ा रहा मेरी हिम्मत नहीं हुई एम एम एल को देखने की तब उन्होंने मुझे डांटा नहीं उन्होंने मुझे प्यार से बोला कि कोई बात नहीं मुझे पता तुम ऑलरेडी बुरा फील कर रहे होगे क्यों क्योंकि हम हमेशा यही करते हैं हम हमारा सारा काम कल पर छोड़ देते हैं कि कल पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे है ना इसलिए क्या होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते फिर एम एम एल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगते हैं कि ये सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है है ना इसको हमें समझो कर रखना पड़ेगा हमारे साथ क्योंकि कल तुमसे पूछ लेंगे प्रूशिया वाले कि भाई तुम्हें क्या आता है तुम खुद को फ्रेंच मैन बोलते हो लेकिन तुम्हें ना लिखना आता है फ्रेंच में ना पढ़ना आता है तो आप उनको क्या जवाब दोगे इस तरीके से यहाँ पर हुआ ठीक है फिर वो ग्रामर लेसन पढ़ाते हैं राइटिंग लेसन लेते हैं और इस तरीके से अब इसके आगे जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो आज की जो क्लास है वो हम यहाँ पर फिनिश करेंगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक तो के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय एंड हैव नाइस डे बाय एवरी